ड्रामा सीरियल सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के एपिसोड नंबर 9 में आप देखेंगे कि इब्राहिम साहब ने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है और साथ ही सल्तनत उस्मानिया के सफ़ीर को कत्ल करके इसका सर पाया तख्त भिजवा दिया है। इब्राहिम साहब के मुकाबले के लिए बज़ाते ख़ुद सुल्तान मोहम्मद ने जाने का फ़ैसला किया है। जाने से पहले सुल्तान ने बाली साहब को महल की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर जानदार अली पाशा ने अपने साजिशों से बाज ना आया और अब भी मुसलसल सुल्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। जानदार अली पाशा ने मंसूबा बनाया कि सुल्तान मोहम्मद के जंग पर जाने के बाद हम अहमद को तख्त पर बिठा देंगे। वो समझता है कि वज़ीर आज़म के अहदे पर मुसलसल रहने के लिए शहजादे अहमद को तख्त पर बिठाना ज़रूरी है। जानदार अली पाशा ने सारे जंगजुओं को बता दिया था कि जंग के लिए जाओ मोहम्मद के साथ, लेकिन वापसी पर तुम सब अहमद के बैत करोगे। सुल्तान मोहम्मद महल से बाहर आता है और दुआ करता है कि अल्लाह हमें जंग में फतेहयाब करें।